आज हम कल से आगे हमारे बदलती पृथ्वी के अंतर्गत कल हमने देखा था अक्षय अपरदन निक्षेपण। आज उसका एक प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, व्यवहारिक देखते हैं और उस व्यवहारिक पक्ष को देखने के लिए हम देखेंगे नदी के कार्य उसी में आगे है। तो नदी जब चलती है तो वो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है और ये आकृतियाँ जो बनती हैं ये अक्षय अपरदन और निक्षेपण से ही बनती है। एक नदी का सामान्यतः है जहाँ से ओरिजिन होती है उसको उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है, ओरिजिन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। और सामान्यतः नदी या तो पर्वतीय क्षेत्र से या तो पठारीय क्षेत्रों से उद्गम स्थल होता है जहाँ पर कठोर सैल पाई जाती हैं, टफ सैल पाई जाती हैं। वहाँ पर नदी मोस्टली क्या होती है, पतली दिखाई देती है यानी कम चौड़ी दिखाई देती है। और अगर हम गंगा का उदाहरण दें तो आपको पता होगा गंगा गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से निकलती है और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वो काफ़ी वहाँ पर सक्रिय होती है। जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्र में आती है उसका तटबंध यानी हम कह सकते हैं उसका किनारा दोनों तरफ का चौड़ा होता है। जैसे आपको पता होगा गंगा क्या है, उत्तरांचल या उत्तराखंड के हरिद्वार से क्या है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और फिर क्योंकि मैदानी क्षेत्र की मता मुलायम होती है इसलिए वो जल के वेग से कटती है और नदी चौड़ी हो जाती। इसके बाद क्रमशः और चौड़ी होते हुए किसी समुद्र में महासागर में विलीन हो जाती है। इस दौरान नदी जो है कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। उन आकृतियों का हमें स्टडी करना है जिसमें आप देखेंगे जल प्रपात। जल प्रपात का आशय होता है जल का गिरना एक ऊंचे स्थान से निम्न स्थान की ओर। हमने यहाँ पर बताया गया है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थल से कठोर सैल वाली घाटी में गिरती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। आपको जीके के लिए पता होगा एंजल विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसके बाद नियाग्रा सबसे बड़ा जलप्रपात है और विक्टोरिया उसके बाद सबसे बड़ा जल प्रपात। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एंजल वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, नियाग्रा कनाडा यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में विक्टोरिया जो है जाम्बिया जिम्बाब्वे यानी साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। इन्हें आप याद रखें प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम करता है। इसके बाद दूसरा है आकृति बनती है विसर्ग। विसर्ग का आशय जैसे आपने सांप देखा होगा जब वो चलता है तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति या विसर्ग जैसी आकृति होती है, जिगजैग आकृति होती है। जब नदी भी चलती है तो नदी जहाँ पर इस प्रकार की आकृति अपने साथ बनाती है वहीं पर थोड़े मोड़े अवसाद एकत्रित होते हैं, हम उसे विसर्ग कहते हैं। तो टेढ़े मेढ़े जहाँ पर आकृति चाँप जैसी आकृति हो वहाँ पर अवसाद एकत्रित होते हैं, हम उसे विसर्ग कहते हैं। और जब यही चाँप क्या है ये टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र जो है सेपरेट हो जाता है किन्हीं कारणों से और उसमें पानी भर जाता है तो हम उसको चाँप झील के नाम से जानते हैं। आप अगर ज्योमेट्री में स्टडी करते होंगे तो आप ऐसे चाँप लगाते हैं वैसी ही आकृति बनती है। इसके बाद अवसाद आप जानते हैं, अवसाद नदी अपने साथ पानी लाती है, उसका वेग तेज होता है। वेग से क्या है छोटे कठोर सैल बड़े कठोर सैल टूटते हैं और टूटा हुआ जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम अवसाद कहते हैं। हमने पिछले लेसन में अवसादी सैल बताया था, इन्हीं के एकत्रीकरण से क्या है अवसादी सैल का निर्माण होता है। फिर आप देखेंगे वितरिकाएं। वितरिकाएं जब नदी क्या होती है अपने लास्ट फेज पर पहुंचती है यानी कि वो उसका फ्लो क्या होता है कम होने लगता है तो यही अवसाद क्या होते हैं एकत्रित होने लगते हैं जिससे नदी की धारा क्या होती है पार्टों में विभाजित होने लगती है। और ये विभाजित जो धाराएं हैं ये सिराएं जैसे
ऐसे दिखने लगती हैं। इन्हीं शिलाओं को हम वितरिकाएं या ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज का अगर हम उदाहरण दें तो गंगा नदी क्या है, आपने देखा होगा बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से मिलते हुए संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है और वहां पर ऐसी आकृति देखने को मिलती है। वहीं पर सुंदरी वन का भी उपलब्ध उदाहरण है। इसके बाद आप देखेंगे डेल्टा। डेल्टा यही भी तरीका है जब क्या है कई पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाती है तो नदी के लास्ट मुहाने पर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, उल्टे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। सौभाग्य से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से भारतीय परिक्षेत्र में बनता है। इसके बाद इसमें देखेंगे तटबंध। तटबंध किनारों से है। आप देखें जिस नदी का मैंने उदाहरण दिया ये उसका तटबंध है, यानी नदी की धारा को मृदा के माध्यम से बांधते हैं जिसमें बहती है, उसके किनारे वाले पार्ट्स को हम तटबंध कहते हैं। और जब बाढ़ आती है तो नदी का जल क्या होता है इन्हीं तटबंधों को पार करके चला जाता है, तब हम ऐसी अवस्था को बाढ़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने जलप्रपात, विसर्ग, चामझील, अवसाद, वितरिकाएं, डेल्टा और तटबंध, ये सब नदियों के गतिशील होने से अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण के माध्यम से बनने वाली ये एक्टिविटीज हैं या बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। इनको आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें, पढ़ें और क्वेश्चन रिजॉल्व करें। धन्यवाद।